माफ कर दो भैया, आप जो कहेंगे मैं करूंगी, जहाँ कहोगे वहाँ शादी करूंगी, बस इनको जाने दो, प्लीज भैया, प्लीज इन्हें जाने दो। क्या कर रहे हो? अपनी बहन को मार रहे हो? ये बीच में मत बोल, ये हमारे घर का और हमारी इज्जत का मामला है। तुम सब अमीर हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम लोग के यहाँ बहुत कुछ होता है, लेकिन हम गरीबों के पास इज्जत होती है और उसी इज्जत को इन दोनों ने उछाला है। इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। इज्जत इज्जत, हाँ क्या फायदा है इस इज्जत का, जो अपनों से अपनों का खून करवाए, जो एक भाई को अपनी बहन के सुहाग को उजाड़ने पर मजबूर करे। खाना बीच में मत बोल, ये हमारे घर का मामला है। ये मेरे घर का भी मामला है, खाना मेरे परिवार का हिस्सा है। खाना, ये खाना ने हमारे बिरादरी के नियम तोड़े हैं। नियम समझता है? नियम, और जो हमारे बिरादरी के नियम तोड़ता है ना, उसका यही अंजाम होता है, समझा? कौन सी बिरादरी? ये दो लोग, ये 10-15 लोग यहाँ जो जमा है, बिरादरी है तुम्हारी? उससे ऊपर एक और बिरादरी है, वो है इंसानियत की, और उससे बड़ा कुछ नहीं होता। ये दिमाग का दही मत कर, समझा? ना तेरा भी वही हाल करूंगा जो इनका करने वाला। चुप! ये लेके जाइए। सोनू, जो तू कर रहा है गलत कर रहा है, पाप लगेगा तुझे। तुम्हारी बहन बालिग है और सरकार भी एक बालिग को अपनी मर्जी से शादी करने का पूरा हक देती है, छोड़ उसे। तेरी बहन ने कोई बगावत नहीं की है, उसने प्यार किया है। अगर तुमने उसके प्यार को समझा होता ना, तो ऐसे वाकई शादी करती नहीं, समझे तुम? देख मेरी बात मान, शादी हो चुकी है, कुछ मत कर। खन्ना अच्छा लड़का, तेरी बहन को खुश रखेगा। ये हमारी संस्कृति लड़की को पति चुनने का हक नहीं देती। ऐसा कौन कहता है? जब हजारों साल पहले भी एक औरत अपनी पसंद से शादी करती थी, तो आप क्यों नहीं? वक्त बदल चुका है, अपनी सोच बदल। तेरे बिरादरी से ज्यादा तेरी बहन की खुशी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो तू करने जा रहा है ना, वो कानून की नजरों में एक जुर्म है। ये चुप चुप, तुम लोग क्या प्रवचन बंद करो और वो बंद। बापू, ये तू क्या कर रहा है? बोला बापू, तू ये क्या कर रहा है? ये इन्हें कौन लेके आया? घर लेके जाना है। बोला बापू, तूने बुआ को क्यों बांधा है?
क्योंकि तेरी बुआ ने मेरी बात नहीं मानी। अगर मैंने तेरी बात नहीं मानी तो क्या तू मुझे भी ऐसे बांधेगा? बोलो बापू। चुप क्यों हो? इस मासूम बच्ची के सवालों का जवाब नहीं है तुम्हारे पास? काना बैल लेके जाइसे। बोलो बापू, तू मुझे भी मार डालेगा अगर मैंने तेरी बात नहीं मानी, जिंदा जला देगा। बोलो। बोलो। ने सुना नहीं, लेके जाई ना। उसके सवालों का जवाब नहीं है ना, आज है नकल होगा, लेकिन इसका सवाल फिर भी वही रहेगा। आज ये छोटी है लेकिन कल को ये बड़ी होगी और इसकी आंखें तुमसे वही पूछेंगी, तुम्हें कोसेंगी। क्या फायदा है ऐसी इज्जत का जो अपनी बिरादरी के सामने तो तुम कमा लोगे लेकिन अपनी बच्चों की नजरों में गिर जाओगे। सोनू, अगर आज तुमने अपनी बहन को मार दिया ना तो तुम्हारी बेटी भी नहीं बचेगी। इसके बचपन का खून मत करो, इसकी आंखों में देखो, देखो इसकी आंखों में, डर रही है तुमसे ही है, डर रही है, तुम्हारी बेटी तुमसे डर रही है। सोनू, जो तुम आज करोगे ना वही तुम्हारा बेटा कल तुम्हारी बेटी के साथ करेगा। क्योंकि वही उसने देखा, वही उसने सीखा और वही उसने जाना। मत करो सो, रुक जाओ, मैं कह रहा हूं रुक जाओ। मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में आकर इंसान से हैवान बन गया था। अगर आप मुझे आज नहीं रोकते तो मेरा तो बहुत बड़ा पाप हो जाता। आज तुमने ये मशाल फेंक कर एक नई मिसाल खड़ी की है। सर, उम्मीद करता हूं कि इससे हम सबको एक सीख मिले कि आज के बाद बिरादरी के नाम पर कोई अपनी बेटियों को नहीं जलाएगा।
उन्हें प्यार करने की कोई सजा नहीं दे। सुनो, मैंने तुम दोनों साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत। खासकर तुम्हारे साथ। मुझे माफ कर दो यार। मेरी गलती की सजा मेरी मेरी बहन को मत देना। मुझे माफ कर दो। सुन, तुम्हारी बहन को उसके ससुराल में कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा वादा है तुमसे। सर, एहसान कभी नहीं बोलूंगा। अपनों का कोई एहसान मानता है क्या? ना तेरे चक्कर में सुबह से कुछ खाया नहीं हमने, कम से कम खाना तो लगवा दे अब। हाँ, बहुत भूख लग रही है। हाँ, और अपनी बीवी से मिलाओगे कि नहीं? खुद ही मिलना पड़ेगा। हेलो जी, हाय। ड्राइवर क्यों? नहीं, मैं खुद आऊंगा ना तुझे एयरपोर्ट पर लेने। ओके, ठीक है, जल्दी आना। ओके, टेक केयर। टेक ऑफ करने ही वाले हैं वो लोग। ग्रेट। हेलो, हाय, तुझे क्या हुआ? आपको इतना खुश देख के मैं थोड़ा दुखी सा हूँ। क्यों? मुझे लगता था कि सिर्फ मुझे देख के आपकी इतनी ब्रॉड स्माइल आती है, पर नहीं। जेलस हो रहा है? अभी तक और कितना दिखाऊंगा, यही मौका है कि उन दोनों से मुलाकात हो जाएगी। वो दोनों घर आ रहे हैं और कल ईद है। एग्जैक्टली, सो वी हैव टू मेक श्योर कि, अरे तुम भी आ गए, अच्छा है। वी हैव टू मेक श्योर कि ये फरहान और फिजा के लिए सबसे यादगार ईद रहे। हाँ बड़े भैया, फिक्र मत कीजिए, हम सारी तैयारियां कर लेंगे। अनिका कहाँ है? वो कमरे में रेडी हो रही है। कमरे में? जब तक उनकी फ्लाइट यहाँ पहुंच जाएगी, टेक ऑफ करके लैंड भी कर लेंगे, तब तक वो रेडी नहीं होंगी। मैं जाकर देखता हूँ। देखा क्या कि मैं यहाँ पे इतना परेशान हूँ, पर भैया कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फरहान ना, बचपन से हम तीनों के बीच में वो कबाब में हड्डी बन के आता है। रोते रहे। हेलो, मेरी बात तो सुन। ओम, हेलो, ओ भव्या, तुम तो मेरी बीवी है। अनिका तैयार हो जाओ, मैं निकलना है। कैसी लग रही हूँ मैं? तुम इन कपड़ों में? हाँ, बस मेरा मन कर गया, मैंने सोचा कि ईद है तो थोड़ी फील ले लूँ। ईद तो कल है, लेकिन मेरा चांद आज ही निकल गया। आप जब भी मेरी ऐसी तारीफ करते हैं ना, तो मुझे क्या हो गया? एक मिनट। क्या क्या लगा? मैंने बस इत्र लगाया, और क्या? इत्र? हाँ। तुम्हें पता है ना अनिका, मुझे स्ट्रॉन्ग स्मेल से मेरी एलर्जी एक्टिवेट। वैसे एक बात बताइए, आपको किस चीज से एलर्जी नहीं होती है? कुत्ता? कुत्ते से भी होती है। कुत्ता नहीं, डॉगी। मेरे पास एक आइडिया है। ओके, मैंने सोचा है कि जैसे फरहान और फिजा आएंगे, मैं उनके साथ उर्दू में बात करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे बचपन से ही शौक था। मुझे कैसे पता, मैं तुम्हारे बचपन में थोड़ी था। प्लेन में जब मैं अनीशा बेगम बनी थी, याद आया? क्या खिड़की तोड़ उर्दू बोली थी मैंने, गिर गए थे आप। तुमने खिड़की तोड़ नहीं, बहुत ही अजीब सी उर्दू बोली थी। एक मिनट, क्या फरमाना चाहते हैं आप?
ये फरमाना चाहते हैं कि मैं उर्दू में मुफ्तगु नहीं कर सकती? It's not मुफ्तगु, it is गुफ्तगु, गुफ्तगु, ऐसे बोलते हैं। एक ही बात है। वैसे तुम ट्राई भी क्यों कर रही हो? कम से कम मैं ट्राई मारती हूँ, आपकी तरह नहीं कि बजाय मुझे हौसला अफजाई देने के, मेरा मेरे हौसले को बढ़ावा देने के, आप मेरे ना वो कॉन्फिडेंस होता ना आपकी लैंग्वेज में, कॉन्फिडेंस के गुब्बारे पे ना पिन चुभोते रहते हैं। बलून पे कैसे? व्हाई वुड यू? कुछ भी नहीं है बोलने के लिए आपके पास। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप मुझे? मैं चांद को देख रहा हूं। बटर मक्खन, मक्खन लगाना कोई आपसे सीखे, कैसे कर लेते हैं? बीवी का गुस्सा कैसे ठंडा करना है? ऐसे बीवी को नाराज देखना मुझे बेहद कतई पसंद नहीं तो करना पड़ता है। मुझे नहीं पता। बचपन से एक ख्वाब था निकाह करने का। एक सेकंड, हम दोनों एक दूसरे से बहुत बार बोल चुके हैं, इनफैक्ट इतनी बार बोल चुके हैं कि मीडिया वाले भी अभी आकर कवर नहीं करेंगे। वी हैव डन इट अ फ्यू टाइम्स। हां ठीक है, आप इतनी बार हो गया तो एक और बार सही कबूल है मामी, एकदम वैसा निकाह करते हैं, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। नहीं है, ये इतर है ना, तुम्हारे दिमाग में जाके बस गया है, ये क्या नया भूत सवाल है तुम्हारे ऊपर? कबूल है, कर लेते ना, मजा आएगा शिवाय, निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। निकाह रेस्टोरेंट पे नहीं जा रहे की कबूल है कर ली और डिश आ गई, यार शादी होती है। एक सेकंड, फोन बज रहा है यार, ऐसे लुक्स मत दो मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। फरहान और क्या बीवी का नाम था, फिजा नीचे आ रहे हैं, जल्दी नहीं हमें उन्हें लेने जाना है, प्लीज आ जाओ। ओके जस्ट वेट। हां शादी नहीं कर रहा हूं मैं। या अल्लाह मेरे जौहर, मेरा मतलब मेरे शौहर ना एकदम निकम्मे हैं। ईद की दावत के लिए मुझे ऑथेंटिक लखनवी शेफ चाहिए, मुझे पता है फरहान को ऐसे वैसे शेफ का खाना पसंद नहीं आएगा। तूने मेरी आदत जो बिगाड़ दी। अपने हाथों से बना खाना खिलाकर। फरहान तू इतनी जल्दी कैसे आ गया यार, मैं तुझे रिसीव करने आ ही रहा था तो सोचा तुझे सरप्राइज कर दूं, तो जैसे यहां लैंड किया तुझे कॉल कर दिया कि अब टेक ऑफ करने वाला हूं। तो बिल्कुल नहीं बदला। हां बदलने वाली हम चीज नहीं, हम आदमी हैं। कमीज नहीं ऐसा यार। आ बहुत अच्छा हो यार, इट इज सो सो लवली टू सी यू। सेम यार, सो गुड टू सी यू। अच्छा लग रहा है यार, इनसे नहीं मिलवाएगा? मेरे बचपन का दोस्त। So happy to meet you. आदाब करिए। आदाब। आदाब। फरहान। अरे ओम। How are you doing? Doing fine. Are you good? कैसा रूथ? बढ़िया एकदम। So good to see all of you after so many years. वैसे तुम तो दोनों भाइयों को जानते हो, लेकिन फिजा for you, ये है ओम, ये है रूरी, हमारी बेगम, ये है अनिका, ओम ओम की बीवी गौरी और रू की बीवी भव्या। एक मिनट। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।